अरब के समंदरी तूफान ने कराची में खतरे की घंटी बजा दी है। शोर मचाती लहरें शहर कायद की जानिब बढ़ रही हैं। शहर में मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुमकिन है आज रात तूफान अपना रुख तब्दील कर ले। तुगयानी के बाईस साहली पट्टी पर दफा 144 नाफिज कर दी गई है। समंदर में नहाने पर पाबंदी लग गई है। मच्छरों को भी रोक लिया गया है। समंदरी तूफान के बढ़ते खतरात, डेंजर जोन में कराची की कमजोर तामीरात, बहरे अरब की मौजें बिफर गईं, शहर कायद के लिए खतरे की घंटी बज गई। समंदरी तूफान से कराची का फासला तकरीबन 900 किलोमीटर रह गया। शोर मचाता चीखता चिंगारता तूफान तेजी से शुमाल मशरक की जानिब बढ़ रहा है। सिस्टम के मरकज के गिर्द लहरों की ऊंचाई 25 से 28 फीट तक जा पहुंची। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात तक तूफान इसी सिमत बढ़ता रहेगा, जिसके बाद इम्कान है रुख शुमाल मगरिब की जानिब कर लेगा। कराची में तेज हवाएं चलेंगी। 13 और 14 जून को मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने कमजोर तामीरात को नुकसान पहुंचाने का अलर्ट जारी कर दिया। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से मॉनिटरिंग तेज कर दी गई। कमिश्नर कराची ने साहिल पर दफा 144 लगा दी। समंदर में नहाना तो दरकिनार, तफरी के लिए जाना भी मना होगा। मछली का शिकार करने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। केपीटी ने भी तमाम इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। बजट 2023 वादों से इरादों तक का सफर और इससे जुड़ी अवाम की नई उम्मीदें। सरकारी मुलाजिम, मजदूर या हो कारोबारी, टिकटिकी बांधे सबकी नजर है इस साल के बजट पर। क्या हो पाएगी बचत, मिलेगा रिलीफ, जानिए बजट ट्रांसमिशन में सिर्फ बोल पे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जरूरत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।